हमारा आज का सेशन जो है, तो आज का सेशन हमारा जो है, इट बेसिकली बी अबाउट फुल स्टैक आर्किटेक्चर एंड व्हाट फुल स्टैक मींस. ठीक है. सो फुल स्टैक में देर आर जनरली टू कॉम्पोनेंट्स, इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड. लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंट एंड, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक एंड, एंड किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एंड लाइक व्हाट पीपल डू विद दीज फ्रंट एंड्स एंड बैक एंड्स. इसको मैं एक बार, एक सेकेंड के लिए म्यूट कर लेता हूँ. ओके okay. ठीक है ठीक है. ये फिर भी आ रहा है, क्या बात है इसको. काम करता हूँ मैं, एक सेकेंड. तो बेसिकली तभी सर ये जो है ना, इस वक्त वी बोथ आर को-होस्ट, सो व्हाट एवर मैसेजेस आई एम गेटिंग, सो आई एम एडिंग, यू नो, हाँ सो यू विल बी सीइंग द सेम थिंग, सो ठीक दैट है, विल बी द मेन सही, रीजन. ठीक है, डोंट वरी. ठीक है, तो लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल. ठीक है, तो बेसिकली फ्रंट एंड एंड बैक एंड जो है, दीज आर टर्म्स दैट आर स्पेसिफिक टू एप्लीकेशंस दैट आर बिल्ट ऑन द इंटरनेट. ठीक है, तो यू हैव वेबसाइट्स, यू हैव एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या जनरल वेबसाइट्स जो होती हैं, उनमें दो कॉम्पोनेंट्स रहते हैं इन जनरल. ठीक है, सो इन जनरल देर आर टू कॉम्पोनेंट्स. देर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द फ्रंट एंड एंड देर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द बैक एंड. ठीक है, तो ये दो कॉम्पोनेंट्स आपके जनरली वेब एप्लीकेशन में हर जगह रहते हैं. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड. तो फ्रंट एंड जो है वो बेसिकली आपका यूआई वाले एस्पेक्ट्स हैंडल करता है. यूआई मतलब जो कि चीज आपको दिखती है स्क्रीन पे, लाइक द इमेजेस और द ओरिएंटेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेज. जैसे कि वेब पेज खुला है मेरा साइट से, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लाइक द कलर्स, द डिजाइन, द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा, दैट इज ऑल हैंडल्ड बाय द फ्रंट एंड. ठीक है, बैक एंड का काम क्या होता है कि इट इज नॉट वरीड अबाउट द फ्रंट, लाइक द यूआई इन जनरल. इट इज वरीड अबाउट द डेटा इटसेल्फ, लाइक डेटा जो स्टोर्ड है, उसका कंटेंट क्या है, उसको जेनरेट कैसे करना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है. बेसिकली जो हैवी लिफ्टिंग होता है कैलकुलेशन का, वो बैक एंड हैंडल करता है. आई थिंक आपका ऑलरेडी एक सेशन हुआ है ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया होगा ये चीज. ठीक है, तो वंस अगेन, बट आई स्टिल लाइक क्लैरिफाई अ लिटिल बिट. तो फ्रंट एंड यूआई हैंडल करता है, जो यूआई बेसिकली यूजर इंटरफेस होता है, जो कि आप एक्चुअली वेबसाइट खोल के जो इंटरफेस जिसके साथ करते हो, जो इंटरेक्ट करते हो, या फिर जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो उसमें जो बटन्स होते हैं या फिर जो लिंक्स होती हैं, जो भी बेसिकली डिजाइन है, जो भी इंटरेक्शन होता है आपका उसके साथ, दैट हैपन्स थ्रू द यूआई बेसिकली. एंड यूआई बनाने के लिए यू यूज द फ्रंट एंड स्टैक और द फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन. बैक एंड में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बटन पे क्लिक किया, राइट, एंड उस बटन क्लिक से क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन होती है या फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर जो भी होता है, दैट प्रोसेसिंग इज डन बाय द बैक एंड. ठीक है, एंड बेसिकली मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड को आपस में कम्युनिकेट करना जरूरी है, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई वेबसाइट है एंड उस पर कोई बटन है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट समथिंग. ठीक है, तो वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस बटन, इट शुड सेंड सम इन्फॉर्मेशन टू द बैक एंड. बैक एंड में वो प्रोसेसिंग जो भी करना है वो कर लेगा, एंड देन इट विल सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द फ्रंट एंड, जो कि हमारे को वेबसाइट पे दिखा देगा. सो दैट इज द रोल ऑफ द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड. तो लेट्स लुक एट सम प्रॉपर एग्जाम्पल फ्रंट एंड बैक एंड का. तो लेट अस से आई हैव, लेट अस से द गूगल मैप्स एप्लीकेशन, राइट. तो मेरे फोन पे गूगल मैप्स की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, एंड व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन इनपुट सम लोकेशन. यहाँ पे जो सर्च बार होता है उसका, आई कैन इनपुट सम सर्च लोकेशन दैट आई वॉन्ट टू गो टू, लाइक ऑन गूगल मैप्स. तो फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ लाल चौक या फिर जो भी सर्च करता हूँ मैं. ठीक है, तो मतलब ये आपको पता ही होगा कि इंस्टेंटली वो रिजल्ट नहीं देता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द डेटा इंस्टेंटली. ऐसा नहीं कि गूगल मैप सबका सब इंफॉर्मेशन अपने फोन पे स्टोर करके रखता है, इट डज नॉट हैव दैट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, व्हाट इट डज इज दैट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सम ऑफ दिस इन द प्रीवियस सेशन, कि इट सेंड्स द डेटा टू अ सर्वर, एंड वो सर्वर किसका है, इट इज अ गूगल सर्वर. ठीक है, तो गूगल सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है, इट सेज कि आई वॉन्ट द लोकेशन लाल चौक ऑन द मैप. ठीक है, एंड गूगल के सर्वर में ये सब इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है ऑलरेडी, एंड इट विल बेसिकली फेच दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड, फ्रॉम इट्स डेटाबेस, एंड देन इट विल रिस्पॉन्ड बैक टू द फ्रंट एंड, एंड इट विल टेल देम कि हाँ ये मैप पे ये लोकेशन यहाँ पे है, इसका ये वाला पॉइंट तुम्हें हाईलाइट करना है, एंड देन द फ्रंट एंड विल हैंडल द रेस्ट. तो ये मैप खोल के प्रॉपरली जो लोकेशन हाईलाइट करनी है इसको, जहां पे भी वो लोकेशन हाईलाइट करनी है, इट विल लाइक सॉर्ट ऑफ हाईलाइटेड अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग बिटवीन द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड. ठीक है, तो आई एम जस्ट यूजिंग दिस वेब पेज ऑन द साइड फॉर रेफरेंस कि क्या क्या आपको बताना चाहिए मेरे को. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि व्हेन यू लुक एट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जनरल, राइट, तो जनरली आप दो टाइप के सॉफ्टवेयर, एक्चुअली तीन टाइप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखोगे आप. देर आर फ्रंट एंड इंजीनियर्स,
ठीक है, फ्रंट एंड इंजीनियर्स क्या करते हैं कि वो यूआई जो वेबसाइट का वो बनाते हैं बेसिकली, लाइक द प्रेजेंटेशन, द स्ट्रक्चर, द डिजाइन, द इंटरफेस. उनका काम बस ये होता है कि दे विल जस्ट डिजाइन दैट इंटरफेस. देन देर आर बैक एंड इंजीनियर्स. ठीक है, बैक एंड इंजीनियर्स क्या करते हैं कि वो जो बैक एंड है एक्चुअल वाला उसको बनाते हैं, लाइक द डेटा बेसिस, वो डेटा कैसे हैंडल करता है, रिक्वेस्ट कैसे आती है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसका रिस्पॉन्स कैसे देना है, ऑल ऑफ दैट इज हैंडल्ड ऑन द बैक एंड. एंड बैक एंड इंजीनियर का वही काम है कि वो सब चीजें हैंडल करना. देन देर इज अ थर्ड क्लास ऑफ इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन जनरल, दे आर नोन एज फुल स्टैक इंजीनियर्स. सॉरी, दे आर कॉल्ड फुल स्टैक इंजीनियर्स. ठीक है, फुल स्टैक इंजीनियर्स का काम होता है कि दे विल हैंडल बोथ द फ्रंट एंड एज वेल एज द बैक एंड. तो दे विल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द फ्रंट एंड एज वेल एज द बैक एंड. तो उनको दोनों चीजों में एक्सपर्टीज होना चाहिए. ठीक है, तो या तो डिफरेंस बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड आई होप समझ आ गया होगा. अगर कुछ डाउट है आप यू कैन ड्रॉप इट ऑन द चैट एंड आई लुक एट इट लेटर. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फ्रंट एंड बैक एंड में एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, लाइक हाउ इट इज एक्चुअली बिल्ट. और अगर आपको एक्चुअली फ्रंट एंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, बैक एंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, लाइक वट काइंड ऑफ लैंग्वेज विल यू यूज, वट काइंड ऑफ टूल्स विल यू यूज, लेट्स लुक एट दैट फॉर अ सेकेंड. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ. लाइक ट्रेडिशनली क्या होता था कि लेट्स से यू हैड अ वेबसाइट, आपका कंप्यूटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, एंड ये लेट्स से कोई एक्स वाई जेड वेबसाइट है, उसका सर्वर पड़ा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो यू हैव द फ्रंट एंड और लाइक दिस इज कॉल्ड द क्लाइंट बेसिकली, एंड यू हैव द बैक एंड विच इज द सर्वर बेसिकली. तो दोनों कंप्यूटर्स होते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, बट देयर कंप्यूटर्स बोथ ऑफ देम, राइट. अब लेट्स से व्हाट यू वांटेड टू डू वाज, लेट्स से यू वांटेड टू गो टू द वेबसाइट दैट इज होस्टेड ऑन दिस सर्वर. तो ये सर्वर जो है यहाँ पे, इट में इसमें कोई वेबसाइट पड़ी हुई है, लेट अस से instagram.com. ठीक है, तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम का सर्वर है. अब फ्रॉम द क्लाइंट साइड आई वॉन्ट टू बेसिकली विजिट दिस वेबसाइट. तो मैं क्या करता हूँ, अपने टूल बार जो मतलब ब्राउजर में मेरे जो यूआरएल सर्च बार होता है उसमें आई विल जस्ट टाइप instagram.com एंड इट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू इंस्टाग्राम सर्वर एंड इट विल सेंड द डेटा बैक. ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था कि अ लॉट ऑफ द एप्लीकेशन और अ लॉट ऑफ द वेबसाइट्स, व्हाट दे डिड वाज कि जो फ्रंट एंड में तुम्हें कोड दिखाना है, लाइक इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट सेशन वी टॉक्ड अबाउट HTML, राइट. तो HTML बेसिकली बिल्ड्स की वेबसाइट कैसी दिखती है, राइट, विच इफ यू थिंक अबाउट इट इज अ पार्ट ऑफ द UI, राइट, लाइक द फ्रंट एंड, क्योंकि वो दिखाता है मतलब वो इंटरफेस कैसा है, कैसा और ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंटरफेस कैसा होगा, वो सब HTML बताता है हमारे को, राइट. सो दैट HTML इज अ पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड, राइट. तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि वेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर खुद HTML जनरेट करके वापस आपके क्लाइंट को दे देता था. ठीक है, एंड सिंस यू हैव अ ब्राउजर इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, वो HTML को पार्स करके उसको रेंडर करके आपको दिखा देता था, राइट. दैट वाज अ ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट. ठीक है, एंड ये जो HTML जनरेट हो रहा है ये सर्वर पे ही हो रहा है, राइट. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज द सॉर्ट ऑफ द, अभी भी होता है काफी सब वेबसाइट्स पे, बट ट्रेडिशनली इट वाज लाइक मोर कॉमनली फॉलोड कि HTML जनरेशन जो है वो बैक एंड पे ही होगा. ठीक है, एंड हाउ डिड दिस हैपन, लाइक मतलब जनरेशन करने का मतलब क्या है बेसिकली. लेट्स से व्हेन यू गो टू instagram.com, सो इफ यू गो टू instagram.com, तो आपके फोन पे, आपके लैपटॉप पे यूल यूल बी एबल टू सी द प्रोफाइल दैट यू हैव, राइट, योर ओन प्रोफाइल, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके पिक्चर्स दिखने चाहिए एंड बाकी डिटेल्स आपके दिखने चाहिए, राइट. सो फॉर दैट यू हैव टू जनरेट द HTML, मतलब HTML में लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट दिखाना है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द लास्ट सेशन, बट बेसिकली इट विल बी शोन यूजिंग HTML. बट उसको पॉपुलेट कैसे करना है, लाइक हाउ डू यू एक्चुअली पॉपुलेट कि कौन सा इमेज दिखाना है, कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, मतलब कौन से यूजर नेम दिखाने, कौन से यूजर्स की फोटोज दिखाने हैं, दैट इज हैंडल इन द बैक एंड. एंड ट्रेडिशनली जो कुछ लैंग्वेजेस होती है, फॉर एग्जाम्पल PHP एक लैंग्वेज है, या फिर जावा है, या फिर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, दे वर रनिंग ऑन द बैक एंड एंड दे यूज टू लाइक फिगर आउट कि हाँ ये कौन सा यूजर हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है एंड हमें कौन सा डेटा इसको दिखाना है, एंड दे ऑटोमेटिकली जनरेटेड दीज HTML पेजेस एंड दे सेंड इट बैक टू द फ्रंट एंड, राइट. दैट वॉज अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट. बट अब क्या होता है, आजकल काफी सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, दे डोंट रिलाई ऑन दिस मॉडल. इंस्टेड वॉट दे डू इज कि जो आपका ब्राउजर है, सॉरी, जो आपका ब्राउजर है, इट नोज कि इसको इंस्टाग्राम लोड करना है, राइट, इंस्टाग्राम लोड करना है. सो इट विल नॉट आस्क द बैक एंड टू जेनरेट द इंटायर HTML. वॉट इट विल आस्क द बैक एंड इज कि दिस इज द यूजर आई डी, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूजर आई डी सपोज 123 है, एंड बेसिकली आई वॉन्ट एक्स वाई जेड डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड डिटेल्स की मेरे को, मतलब एक्स वाई जेड यूजर की मेरे को डिटेल्स चाहिए. तो द फ्रंट एंड विल सेंड दिस इन्फॉर्मेशन टू द बैक एंड. ठीक है, द बैक एंड विल नॉट जेनरेट द HTML, इट विल ओनली जेनरेट जो डेटा आपको चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, पिक्चर वन, पिक्चर टू, एंड फॉर एग्जाम्पल नेम वगैरह जो भी है वो सारा जेनरेट करके दीजिए, एड्रेसेस, फोन नंबर, सब ये डेटा उठा के पैकेज करके इट विल जस्ट सेंड दिस बैक, इट विल नॉट सेंड द HTML बैक.
but you still need HTML. HTML hona zaruri hai, otherwise you won't be able to see the web page, right? So where is this HTML coming from? To modern jo architecture hota hai web applications ka, what they do is ki wo aapke front end mein hi generate ho jata hai. Like this front end, ye aapka front end hai and ye aapka back end hai. To ye data jab aapke front end ko milta hai, wo automatically it will figure out ki ye data kahan pe kaise dalna hai and it will automatically generate the HTML for it. So difference kya hai purane and naye architecture mein, the front end generates the HTML in this case, the basically the UI part of the website is generated on the front end, but in the older like architectures basically the back end was responsible for generating this HTML. theek hai, to ab kya hai ki humne basically jo kaam hai HTML generate karne ka wo front back end se utha ke front end ko de diya, basically humne uska delegate kar diya responsibility ki back end jo hai ye kaam nahi karega, front end kaam karega. ठीक है, तो प्रीवियसली आई मेंशन कि बैकएंड में कुछ लैंग्वेजेस होती है, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जावा है या फिर पीएचपी है, विच प्रीवियसली यूज टू जनरेट दिस एचटीएमएल, लेकिन अब तो ये यहाँ पे कर नहीं रहे जनरेट हम एचटीएमएल, वी आर डूइंग इट ऑन द फ्रंट एंड, राइट? सो अब फ्रंट एंड में कुछ ऑल्टरनेट आपको चाहिए विच विल डू द जॉब ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इंटू एचटीएमएल. तो फ्रंट एंड में डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेक्वेरी होता है या फिर रिएक्ट होता है, different frameworks hote hain which sort of know like if they get data from the back end how to convert this into front end like html code css code, how to properly format it and how to display it on the browser. So wo basically as a framework they handle this kind of stuff. Okay, so yeah, so if you have any doubts like please remember to just drop it on the chat, baad mein dekh lete hain. theek hai, to हाँ, सो बेसिकली इन फ्रंट एंड यू विल यूज फ्रेमवर्क्स लाइक जेक्वेरी है, सीएसएस वगैरह, मतलब ये सब फ्रेमवर्क्स का काम क्या है कि डेटा जो आ रहा है बैकएंड से इट विल बेसिकली टेक इट एंड इट विल पॉपुलेट इट एंड इट विल शो इट ऑन द फ्रंट एंड इन द प्रॉपर यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि कौन कौन से लैंग्वेजेस, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, बट देयर ओवरऑल जॉब इज जस्ट टू प्रोसेस द डेटा फ्रॉम द बैक एंड एंड डिस्प्ले इट ऑन द फ्रंट एंड प्रॉपरली. ठीक है, अब द क्वेश्चन इज why do we want to do this? Like it seems a little complicated. Like हम क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? अगर हो ही रहा था बैकएंड पे सब कुछ जेनरेट, मतलब प्रॉपरली HTML वगैरह सब उठा के यहाँ से जेनरेट हो रहा था, मतलब डेटा भी यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे लॉजिक भी पड़ा हुआ कि कैसे उस डेटा को HTML में कन्वर्ट करना है, एंड इफ यू कैन डायरेक्टली सेंड इट टू यहाँ टू द ब्राउजर, लाइक ब्राउजर का काम कम हो जाएगा, राइट? सो वाई डोंट वी जस्ट स्टिक विद दैट आर्किटेक्चर? वाई डू वी हैव टू यूज दिस client side rendering as it's called? Why do we have to use this basically? Iske multiple reasons hai. Pehla reason to ye hai ki jo server hai is pe load kam ho raha hai, right? Server ka kaam ab ye nahi ki html sara generate karna hai, uska kaam bas ye hai ki jitna data aapko chahiye utna hi data aapko wapas bhejega, and html generation ka kaam to website kar sakta hai, aapka laptop jo apna wo khud hi handle kar sakta hai. Then why do we need to like overload the html like the server? Kyunki ek server ke sath there can be hundreds of connections at the same time all asking for the same information. To har ek ko pehle data bhejna hi bhejna hai and fir upar uske upar se usko html mein package karke bhejna hai, so it's a overhead for the server. So we instead want ki jo client hai aapka, kyunki aapko web jo aapka browser hai, aapka laptop hai, it just has to show one website. तो इतना काम तो उसको दे ही सकते हैं कि ये डेटा ले लो और ये फॉर्मेट ले लो, इसको खुद ही HTML में कन्वर्ट करके दिखा दो यूजर को. ठीक है, so that is one thing. ठीक है, another important thing is कि ठीक है, तो वन थिंग वॉज दैट कि ओवरलोड जो है सर्वर पे वो कम हो रहा है. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज इट इज बेटर यूजर एक्सपीरियंस एज वेल एज इट इज ईजियर टू मैनेज. ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि डेटा जो बैकएंड से आपको आ रहा है you can package it into different HTML formats. तो ऐसा कर सकते हो आप कि एक फ्रंट एंड यहाँ पे आपका एक क्लाइंट, इट विल डिस्प्ले इट इन वन फॉर्मैट, अनदर क्लाइंट विल डिस्प्ले इट इन अ डिफरेंट फॉर्मैट एंड अनदर क्लाइंट विल डिस्प्ले इट इन अ थर्ड फॉर्मैट, राइट? डेटा सबको सेम मिल रहा है बट जो HTML जनरेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका, उसका कलर्स है, डिजाइन है, ओवरऑल यूजर इंटरफेस है, वो सबका अपने अपने क्लाइंट पे अलग अलग से कर रहे हो आप. ठीक है, तो यू कैन, तो आपका जो बैकएंड बन गया, अब जो बैकएंड आपका ये पीछे से पड़ा हुआ है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू लाइक शो डिजाइन एंड लाइक शो यूजर इंटरफेस. इसका काम ये है कि डेटा अपने पास रखे, डेटा पे जो कैलकुलेशन करनी है वो करके दे एंड वो डेटा रिटर्न कर दे हमारे को, एंड फिर वो हमारी मर्जी कि हम उसको कैसे डिस्प्ले करें, कैसे यूज करें, कहाँ पे यूज करें, कितना यूज करें, दैट इज ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये बनाना आसान है बैकएंड में और फ्रंट एंड में भी, इसको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब इट्स मोर फ्लेक्सिबल टू लाइक हाउ यू वॉन्ट टू यूज दिस डेटा. सो देर आर थिंग्स like there are advantages like that that are important and that is why hum is architecture mein move kar rahe hain. theek hai, so with this I will talk about one more important concept in these architectures jisko hum kehte hain API. theek hai, now what is an API? to abhi fir se main for the 10th time ye diagram bana raha hu, ye aapka front end hai, ye aapka server hai. theek hai,
अब सर्वर जो है आपका, इट विल ऑब्वियसली कंटेन अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंटेंट्स एंड इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है? एंड एट एनी टाइम यू वांट टू लाइक कम्युनिकेट विद द सर्वर एंड रिक्वेस्ट वन ऑफ दीज फीचर्स. तो फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का जो सर्वर है, इट हैज मेनी फीचर्स. इट हैज द फीचर टू शो योर प्रोफाइल और शो समवन एल्सस प्रोफाइल, और इट हैज द फीचर टू एडिट योर प्रोफाइल और डिलीट योर अकाउंट. मतलब हजार डिफरेंट फीचर्स है, बट एट वन टाइम यू डोंट वॉन्ट एवरी थिंग. एट वन टाइम यू आर जस्ट गोइंग टू डू वन थिंग एंड उतना ही चाहिए आपको उससे, राइट? फ्रॉम द बैक एंड, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल एट एनी पॉइंट आई वॉन्ट टू लेट सी द प्रोफाइल ऑफ सम एक्स वाई जेड पर्सन. तो वट आई विल डू इज की आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू द बैक एंड. आई विल से कि उस यूजर का सपोज आईडी 456 है, बेसिकली आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर कि मेरे को 456 आईडी वाले यूजर का डिटेल भेज दो, ठीक है? तो द सर्वर हैज मेनी फंक्शनैलिटीज. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी एड्रेस अ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. मतलब फीचर वन इज लाइक शोइंग प्रोफाइल, फीचर टू इज एडिटिंग प्रोफाइल, फीचर थ्री इज डिलीटिंग प्रोफाइल, फीचर फोर इज लॉगिंग आउट. मतलब डिफरेंट फीचर्स हैं, बट यू ओनली वॉन्ट सपोज अ स्पेसिफिक फीचर, राइट? यू डोंट वॉन्ट अदर फीचर्स टू बी इन्वोक. तो क्या करते हो आप कि यू इन्वोक अ स्पेसिफिक API as it's called. तो ये जो हर एक different functionality है, ये चार functionalities यहाँ पे present ही मेरी, तो हर एक के लिए there is a different what is called an API, ठीक है? इसका अलग API, इसका अलग API, इसका अलग API and इसका अलग API, right? And depending on which functionality you want to invoke, you will invoke its corresponding API, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू इन्वोक द प्रोफाइल व्यूइंग एपीआई, लाइक प्रोफाइल व्यूइंग फीचर, आई विल जस्ट इन्वोक द प्रोफाइल व्यूइंग एपीआई. तो बाकी फीचर्स को मुझे कुछ करना नहीं है, आई विल जस्ट इन्वोक द वन दैट आई रिक्वायर बेसिकली. अब वो कैसे मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि आई वॉन्ट टू इन्वोक दिस एपीआई, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा आगे जाके देखेंगे. बट इन जनरल एपीआई इज बेसिकली, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? तो नाम से मेरी समझ नहीं है कि इसका काम क्या होता है, बट बेसिकली जो आपके बैकएंड में, जो आपके सर्वर पे, देर विल बी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, राइट? तो देर विल बी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज एंड मतलब आपका सर्वर बेसिकली 10 चीजें कर सकता है, राइट? एंड एट एनी पॉइंट यू वॉन्ट टू इन्वोक जस्ट वन ऑफ दीज फंक्शनैलिटीज, ठीक है? तो हम क्या करते हैं कि हर एक फंक्शनैलिटी के लिए वी बिल्ड अ सेपरेट एपीआई. वो कैसे बनता है, वो कैसे एड्रेस करते हैं, मतलब कैसे हम इन्वोक करते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर. बट हर एक सर्विस का अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट जिसको बोलते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन विच एंड पॉइंट द क्लाइंट वॉन्ट्स टू टॉक टू, वो अकॉर्डिंगली उसी एपीआई को हिट करता है. मतलब इसको ऐसे, मतलब टेक्निकल टर्म है हिट करना, बेसिकली इट मींस कि उसको कॉल करता है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन विच फीचर यू वांट और विच फैसिलिटी फ्रॉम द बैक एंड यू वांट टू इनवोक, यू विल अकॉर्डिंगली कॉल इट्स ओन एंड पॉइंट और इट्स एपीआई बेसिकली, ठीक है? एंड फिर वो एपीआई तुमने इन्वोक कर लिया, तो बैक एंड का काम अपना जो भी करना था उसने कर लिया, एंड इट विल सेंड द डेटा और चेंज द डेटा, जो भी करना है वो कर लेगा, ठीक है? एंड देन क्लाइंट के पास डेटा आ गया, मतलब आपके कंप्यूटर के पास डेटा आ गया, देन यू कैन डिस्प्ले इट और लाइक एडिट इट और लाइक डू व्हाटएवर यू वांटेड विद इट, ठीक है? कूल, ठीक है. सो बिफोर, ओके, आई थिंक इसका एक एग्जांपल बनाते हैं हम, ताकि थोड़ा समझ आ जाए. तो लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अ न्यू वेबसाइट, लेट्स से वी आर क्रिएटिंग, हमारे पास कोई आइडिया आ गया कि लेट्स क्रिएट अ वेबसाइट फॉर लेट्स से मैनेजिंग बुक्स इन अ लाइब्रेरी, ठीक है? हमारी कोई कॉलेज की या स्कूल की कोई लाइब्रेरी है, एंड वी वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट जिससे हम क्या करते हैं कि उसकी लाइब्रेरी का बेसिकली डिटेल्स मैनेज करते हैं कि किसने बुक डाली, किसने बुक निकाली, किसके पास वो बुक है, मतलब 10 चीजें हैं विच वी वॉन्ट टू बेसिकली मैनेज फ्रॉम दिस वेबसाइट. सो वी विल क्रिएट सम न्यू वेबसाइट, www.lib.com, कुछ भी अपनी वेबसाइट बना लिया हमने, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम, लेट्स से सॉरी, ठीक है, तो इस lib.com में क्या करेंगे हम, वी विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सेट अप द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, ठीक है? तो फ्रंट एंड, तो एक काम करते हैं, बैक एंड से स्टार्ट करते हैं. तो वी विल हैव वन कंप्यूटर और वन सर्वर विच विल स्टोर ऑल द डिटेल्स एट अ सेंट्रल प्लेस. तो इस कंप्यूटर में क्या है, इसमें सब स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, सब बुक्स की डिटेल्स है, सब डेट्स, फाइन्स, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है इस लाइब्रेरी में, उस सब का डिटेल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? एंड वी हैव ऑल्सो प्रोग्राम यूजिंग लैंग्वेजेस लाइक सपोज PHP या फिर पाइथन या फिर किसी और लैंग्वेज से, या फिर फॉर एग्जाम्पल जावा, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. उन लैंग्वेजेस के थ्रू हमने क्या किया है कि वी हैव बिल्ट फंक्शनैलिटीज और कैपेबिलिटीज इन द सिस्टम टू फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बोरो अ बुक और लाइक लेंड अ बुक और वट एवर इट्स कॉल्ड, बोरो बुक, ठीक है? तो कोई एक फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की है अपने बैकएंड में जिससे आप बुक बोरो कर सकते हो. देर इज अ फंक्शनैलिटी हियर इंप्लीमेंटेड इन पाइथन और वट एवर लैंग्वेज टू रिटर्न अ बुक, ठीक है? मतलब जो फीचर्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट में वो यहाँ पे बना रहे हैं, तो रिटर्न बुक, ठीक है? एंड ठीक है, और फीचर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एड अ न्यू बुक, और लेट्स से एड न्यू बुक, और देर कुड बी समथिंग लाइक डिस्प्ले
एग्जिस्टिंग बुक्स, ठीक है, तो दस मैंने जो टाइप ठीक है, तो 10 टाइप की फंक्शनैलिटीज है जो कि हमने यहाँ बैकएंड में बना के रखी हुई है यूजिंग पाइथन, आसिम पीएचपी, आसिम जावा, अपने विच माइक आई को कैन म्यूट कर दो, आसिम अपने माइक को म्यूट कर दो, ओके प्लीज। या तो हमने डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी बना रखी है। तो व्हेन यू बिल्ड द बैकएंड उस टाइम आप डिसाइड करते हो कि किस किस टाइप के फीचर मेरी वेबसाइट पे होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इफ यू कम अप विद सम आइडिया कि बुक रिटर्न करने के टाइम कुछ या फिर बुक बोरो करने के टाइम कुछ डिपॉजिट लेना है तो उसकी फंक्शनैलिटी डालनी है। तो ये जो भी आपके दिमाग में फंक्शनैलिटी आती है यू विल बिल्ड इट इन द बैक एंड फर्स्ट, ठीक है। एंड हर एक का अपना अपना, जैसा कि मैंने पहले बताया, यू विल एक्सपोज एन एपीआई फॉर दिस। सो देर इज एन एपीआई फॉर दिस बोरो बुक फंक्शनैलिटी, देर इज एन एपीआई फॉर रिटर्न बुक फंक्शनैलिटी, देर इज एन एपीआई फॉर एड बुक फंक्शनैलिटी, एंड देर इज एन एपीआई फॉर डिस्प्ले बुक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये हमारा बैक एंड बेसिकली लेट से तैयार हो गया, जो कैसे भी प्रोग्राम किया हमने, बट बेसिकली इट्स रेडी। नाउ द फ्रंट एंड जो है, अब देखो क्या है, यू माइट वॉन्ट टू एक्सेस दिस वेबसाइट ऑन योर लेट से लैपटॉप, और यू माइट वॉन्ट टू एक्सेस इट ऑन योर फोन, और यू माइट वॉन्ट टू एक्सेस इट लेट से थ्रू एन एप्लीकेशन ऑन द फोन। मतलब यहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू, मतलब गूगल पे जाके, गूगल क्रोम पे जाके, यू के योर ओपनिंग वेबसाइट, ठीक है, ऑन लाइक योर फोन और योर लैपटॉप, एंड देन यू ऑल्सो बिल्ट लेट से एन एप्लीकेशन, लाइक एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के रखी आपने, और यू हैव ऑल्सो बिल्ट लेट से एन एप्पल वाला iOS एप्लीकेशन, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां से आपको इंटरफेस करना पड़ेगा इस डेटा के साथ, बट द थिंग इज ऑल ऑफ देम शुड कम्युनिकेट विद दी सेम APIs, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ये वेब वाला अलग API से बात करेगा, ये एंड्रॉयड वाला अलग API से बात करेगा, दे विल ऑल टॉक टू द सेम APIs। अब फर्क क्या है कि फ्रंट एंड में लॉजिक पड़ा हुआ है, लाइक डिपेंडिंग ऑन कि वेब में क्या है या फिर एंड्रॉयड में क्या है, डिपेंडिंग ऑन विच डिवाइस यू आर डिस्प्लेइंग इट ऑन, विच इंटरफेस यू आर डिस्प्लेइंग इट ऑन, उसका तरीका जो दिखाने का वो डिफरेंट होगा, राइट। एंड दैट इज द पॉइंट, वो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि फायदा क्या है बैक एंड एंड फ्रंट एंड को सेपरेट करने का। अगर ऐसा होता कि बैक एंड ही हमारा सब जनरेट करके फ्रंट एंड को भेजता, देन फ्रंट एंड का मतलब सॉरी बैक एंड का सरदर्दी था कि iOS के लिए अलग से दिखाना है, एप्पल के लिए अलग से दिखाना है, या फिर एंड्रॉयड के लिए अलग से दिखाना है, बट नाउ इट इज हैंडल्ड ऑन देयर ओन डिवाइसेस, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू हिट और इनवोक द करेक्ट APIs। तो लेट अस से रेज दिस, तो लेट अस से ऑन दिस एंड्रॉयड एप्लीकेशन, लेट से सम यूजर इज प्रेजेंट ऑन दिस एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड दे वॉन्ट टू शो लाइक सी वॉट बुक्स आर प्रेजेंट, तो वो क्या करेंगे, दे विल बेसिकली फ्रॉम द फ्रंट एंड हिट दिस डिस्प्ले बुक API, ठीक है, एंड द डिस्प्ले बुक API विल सेंड बैक द डिटेल्स कि कौन कौन सी बुक्स हैं, उनका नाम क्या है, उनके डेट्स क्या है, उनके मतलब अवेलेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड इट विल सेंड इट बैक टू द एंड्रॉयड फ्रंट एंड, एंड वो यहाँ पे जाके उसको पार्स करके दिखा देगा, राइट। वैसे किसी वेब ब्राउजर से अगर मैं हिट करता हूँ किसी और API को, लेट्स से टू ब्राउज और लाइक बोरो अ बुक, तो यहाँ पे उसके एंड पॉइंट को हिट करके आई विल गेट बैक द करेक्ट डेटा एंड आई कैन डिस्प्ले इट ओवर हियर, राइट। दैट इज लाइक द आर्किटेक्चर, द फुल स्टैक आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं हम, देर इज अ फ्रंट एंड एंड अ बैक एंड एंड देर आर APIs विच सॉर्ट ऑफ इंटरफेस द बैक एंड विद द फ्रंट एंड। तो API जो आप ऐसा सुन सकते हो कि इट्स अ लेयर बेसिकली जिससे आपका फ्रंट एंड बात करता है एंड उससे डेटा निकाल के वो मतलब एक्सचेंज कर लेता है बेसिकली। बस डेटा एक्सचेंज करना नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है यू वांट टू क्रिएट अ बुक और यू वांट टू डिलीट अ बुक और यू वांट टू अपडेट अ बुक, जो भी ऑपरेशन आपको बैक एंड पे करना है यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फ्रंट एंड, इट विल गो टू सम API एंड देन इट विल डू इट ऑन द बैक एंड, लाइक डेटाबेस जो भी है या फिर जहां पे डेटा पड़ा हुआ है वहां पे जाके इट विल लाइक मेक दोज अपडेट्स, ठीक है। तो एक्चुअली इफ पॉसिबल आई वुड लाइक टू शो यू एन एग्जाम्पल की APIs कैसे दिखते हैं। तो ये जो API मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हाउ डू यू एक्चुअली एक्सेस दे, मैं बता रहा हूँ कि यू नो लेट्स से एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ये वाला सॉरी कोई एक API कॉल करना है, इट इज बेसिकली इनवोकिंग दिस, बट हाउ इज इट इनवोकिंग दिस, लाइक इसको कैसे पता है कि ये वाला API इनवोक करना है, हाउ डज इट लाइक एड्रेस दिस API बेसिकली, हाउ डज द बैक एंड नो कि ये हाँ मतलब ये द रिक्वेस्ट दैट आई एम गेटिंग इज फॉर दिस API एंड नॉट दिस API, लाइक वो कैसे होता है, we will talk about that in a second, but before that I will actually go to Google Chrome and I will search for something like open APIs, ठीक है। तो open APIs क्या होते हैं कि there are certain websites, ठीक है, जिनका backend जो है, जिनके जो backend APIs हैं, they have exposed them to the public, कि जिसको भी आके हमारे साथ बात करनी है, हमारे backend से कुछ data निकालना है, you can just these are our APIs, like make a call to us, like make a request to us, and we will send you the data basically. So I'm just looking at one of these APIs. So let us say I will go to these public API list here. So यहाँ पे देख सकते हो आपके कितने सारे API के different sources present है। तो ये different लोगों ने बनाए हुए हैं, different organizations ने बनाए हुए हैं, they are built for different purposes and they give different types of data. But basically this is a list of some popular public APIs essentially.
तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब हजार टाइप की चीजें यहाँ पे, मतलब बिल्कुल हेटरोजेनस मिक्सचर है, कांट इवन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। किसी भी टाइप का मतलब एपीआई आपको चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो लेट अस पिक वन, लेट्स से दिस कैट फैक्ट्स। आई थिंक इसमें क्या होता है कि आई थिंक दे, आई डोंट नो, सेंड यू सम कैट फैक्ट्स। तो लाइक जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इट इज, तो देर इज सम ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, और समवन लाइक सम पर्सन हु हैज बिल्ड दिस एपीआई, ठीक है। उनने अपने किसी रिमोट कंप्यूटर पे कोई एक वेबसाइट बना रखी है, अपना एक बैकएंड बना रखा है विच सर्व्स कैट फैक्ट्स, ठीक है। एंड कैट फैक्ट्स एक्सेस करने के लिए उन्हें डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट एपीआईज एक्सपोज किए हुए हैं, जो कि हम हिट करके वो डेटा ला के फिर उसको जैसे भी रेंडर करना है, जो भी प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज दिस, लाइक दिस पेज डज दैट बेसिकली। तो मैं देखता हूँ कि कैसे होता है। तो व्हेन आई एम डूइंग दिस, होपफुली यू विल गेट एन इनसाइट ऑन हाउ वी एड्रेस दिस एपीआईज, लाइक हाउ वी आइडेंटिफाई दिस एपीआई। तो ओके, सो कॉम्बिनेशन डेवलपिंग, ओके यप, ठीक है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में इसके मतलब इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू इनवोक आर एंड पॉइंट्स, लाइक इफ यू वांट टू इनवोक आर एपीआईज, आपको क्या करना है कि आपको ये यूआरएल यूज करना है, यहाँ जो पड़ा हुआ है catfact.heroku app.com, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कहीं पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये एंड पॉइंट का यूआरएल ये है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फंक्शनैलिटी आपको इन्वोक करना है, यहाँ पे बस दो ही फंक्शनैलिटी दिए हुए हैं, फैक्ट्स एंड यूजर्स। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे दो फंक्शनैलिटी दिए हुए हैं, दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं, एपीआई एंड पॉइंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। इन दिस केस इट जस्ट टू एंड पॉइंट्स, किसी वेबसाइट में ज्यादा हो सकते हैं, किसी वेबसाइट में कम हो सकते हैं, बट इन दिस केस दे हैव टू एंड पॉइंट्स। वन इज कॉल्ड स्लैश फैक्ट्स, विच बेसिकली रिट्रीव एंड क्वेरी फैक्ट्स। तो मतलब जो ये कैट फैक्ट्स भेज रहे हैं हमारे को, ये इफ आई यूज दिस एंड पॉइंट, दिस फैक्ट्स एंड पॉइंट, देन आई विल गेट कैट फैक्ट्स बेसिकली। एंड देन देर इज अनदर एंड पॉइंट कॉल्ड स्लैश यूजर्स, विच गेट्स द यूजर डेटा। तो ये कुछ कुछ और काम करता होगा, नॉट श्योर वॉट इट डज एग्जैक्टली, बट लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड पॉइंट, राइट। तो इन दिस कैट फैक्ट्स वेबसाइट, इनका एक एपीआई प्रेजेंट है यहाँ पे, विच इज कॉल्ड स्लैश फैक्ट्स, ठीक है। तो लेट्स से आई वांट टू हिट दिस एपीआई एंड सी मुझे क्या डेटा मिलता है वहां से। अब हाउ डू आई हिट दिस बेसिकली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट द यूआरएल ऑन व्हिच दिस एपीआई इज होस्टेड। तो ऐसा होता है कि हर एक एपीआई जो इंटरनेट पे होता है उसका अपना अपना एड्रेस होता है, एंड इंटरनेट पे जो एड्रेस यूज होता है दैट इज बेसिकली दिस यूआरएल, ठीक है। एवरी वेबसाइट और एवरी सर्विस ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय आइदर एन आईपी एड्रेस और दिस यूआरएल, जो जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है फैक्ट हाइफन कैट हाइफन फैक्ट डॉट हीरोको ऐप डॉट कॉम। तो इन दिस केस जो सर्वर यहाँ पे इसका, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, तो जो सर्वर यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका एड्रेस हीरोको ऐप डॉट, जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड से मेरे, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। तो दिस एड्रेस बेसिकली आइडेंटिफाइज दिस होल सर्वर, ठीक है। बट आई आई नीड वन मोर लेवल ऑफ ग्रैनुलैरिटी, ठीक है। मेरे को बस सर्वर नहीं चाहिए, आई नीड द एग्जैक्ट एंड पॉइंट कि कौन सा वाला एंड पॉइंट चाहिए, राइट। एंड दैट इज वाई इन्हें यहाँ पे अलग से ये दो फीचर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। सो वंस आई हैव द यू आर एल, आई हैव आइडेंटिफाइड द सर्वर और द डिवाइस बेसिकली, एंड नाउ आई नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एपीआई है। एंड पहले वाले एंड पॉइंट का नाम मैंने स्लैश फैक्ट्स रखा है, एंड दूसरे वाले का नाम मैंने स्लैश यूजर रखा हुआ है। सो इफ आई हैव टू एक्सेस लेट्स से द स्लैश फैक्ट्स एपीआई, व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू दिस यू आर एल, ठीक है। एंड इसके एंड पे मैं, एक सेकेंड, Why is this not letting me edit? Okay, let me try something else. ठीक है, तो इसके एंड पे मैं स्लैश फैक्ट डाल दूंगा, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस होल थिंग एंड लेट मी गो टू माई ब्राउजर, आई विल गो टू अ न्यू टैब एंड आई विल पेस्ट दिस यू आर एल अप हियर, ठीक है। एंड इफ आई क्लिक एंटर, होपफुली यप, तो ये डेटा उठा के मेरे को इनके बैकएंड ने भेज दिया। नाउ एज यू कैन सी दिस इज जस्ट रॉ डेटा, मतलब ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट डजेंट लाइक, इफ यू लाइक लुक एट इट क्लियरली, मतलब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट कहाँ पड़ा है यहाँ पे, मैंने बताया था कि हम कैट फैक्ट देंगे बट कहाँ है फैक्ट, तो आई हैव टू लुक क्लोजली कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ पे है लाइक दिस टेक्स्ट, कैट्स मेक अबाउट 100 डिफरेंट साउंड, डॉग्स ओनली मेक अबाउट 10, तो दिस इज अ फैक्ट। एंड ये एक फैक्ट है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट भेजे हुए हैं उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कैट्स, मतलब रैंडम डेटा भेजा हुआ है, बट बेसिकली दिस इज लाइक हाउ दे आर सेंडिंग डेटा, ठीक है। तो तीन फैक्ट भेजे ने हमारे इस कॉल में, एंड दिस इज द डेटा दैट दे आर सेंडिंग फ्रॉम देयर बैक एंड। तो इनका जो मैंने दिखाया आपको, कहाँ गया वो,
इनका जो ये सर्वर है इसमें ये सब फैक्ट का डेटाबेस बना हुआ है, लाइक हजारों फैक्ट्स होंगे, बट एट अ टाइम दे आर सेंडिंग अस थ्री, एंड व्हेन आई कॉल दिस फैक्ट्स एपीआई बस तीन मतलब फैक्ट उठा के मेरे को भेज रहा है, एंड ये कुछ और डेटा भी भेज रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका टाइप क्या है, इसका डिलीट हुआ है नहीं हुआ है, इसका आईडी क्या है, कौन सा यूजर कॉल कर रहा है, सोर्स कहाँ से है, अपडेट कब हुआ था लास्ट टाइम, ये क्रिएट कब हुआ था लास्ट टाइम, ये मतलब 10 टाइप की चीजें हैं, इट्स लाइक रिटर्निंग ऑल दैट डेटा. नाउ सिंस आर फ्रंट एंड इज सेपरेट फ्रॉम द बैक एंड, द फ्रंट एंड वंस इट गेट्स दिस डेटा राइट, यू कैन हैव योर ओन एचटीएमएल लॉजिक जो इसको उठा के पॉपुलेट करता है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव योर ओन एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रंट एंड और योर वेबसाइट एप्लीकेशन फ्रंट एंड और व्हाट एवर फ्रंट एंड यू वॉन्ट विच कॉल्स दिस एंड पॉइंट, इट गेट्स ऑल दिस डेटा राइट, ये डेटा मिल रहा है उसको, एंड देन इसमें से ढूंढ ढूंढ के जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है उसको उठा उठा के प्रॉपरली डिस्प्ले कर लेगा. तो बेसिकली अभी थोड़ा हैफजेड वे में दिखा रहा है, बट वेन यू वॉन्ट टू डिस्प्ले इट प्रॉपरली यू विल टेक दिस डेटा एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मतलब बुलेट पॉइंट डाल के फैक्ट वन दिखा दोगे, फिर बुलेट पॉइंट टू डाल के फैक्ट टू दिखा दोगे, फिर उसका नीचे से कुछ डिटेल भी डाल दोगे, मतलब इट्स योर फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो दिस डेटा प्रॉपरली. ठीक है, द बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि जो तुमने रिक्वेस्ट भेजी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डेटा पड़ा है उसके पास वो भेज दे आपको, एंड नाउ इट्स योर फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको प्रॉपरली दिखा दे राइट. सो दैट इज हाउ यू टॉक टू एन एपीआई. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वन एपीआई. तो इफ यू गो टू दिस आई विल सेंड दिस लिंक लेटर ऑन, बट देर इज दिस लिस्ट ऑफ एपीआईज राइट, एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ एपीआई. मतलब ये कैट फैक्ट वाला मे भी ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट देर आर एपीआईज फ्रॉम विच यू कैन फेच इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर और ज्योग्राफीज और कोरोना वायरस की पॉपुलर एपीआईज है विच शो गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कितने केसेस हैं, कहाँ पहुंचे, कितने वैक्सीनेशन हुए, हजार टाइप की चीजें, लाइक एवरीथिंग इज हेयर, लाइक मतलब देर इज हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एपीआईज प्रेजेंट हेयर विच आर बेसिकली बिल्ड बाय समवन एंड दे फील लाइक कि हमें ये डेटा बाकी लोगों को देना चाहिए, सो दे एक्सपोज देयर एपीआईज, दे गिव यू द रेफरेंस कि कैसे कॉल करना है, कहाँ पे यूआरएल, मतलब ये जो दिखाया मैंने आपको कि यूआरएल क्या है इसका, इसका एंड पॉइंट क्या है, एंड यू कैन कॉल देम एंड देन यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम इट राइट. सो या सो दिस इज वेबसाइट, आई विल शेयर इट विद यू बाद में, एंड यू कैन टेक अ लुक इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन मे बी पिक वन ऑफ दीज मेनी एपीआईज. Like, you know, if you're having some sort of idea, ki kuch interesting idea aapke paas hai, pick some API, build something on it, right? It's some like a fun project it could be. ठीक है, cool. ठीक है, तो हमने बात कर ली इस बारे में कि फ्रंट एंड क्या करता है, बैक एंड क्या करता है, एंड वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं. वी ब्रीफली टच्ड अपॉन दैट राइट. एंड जो ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो हमने कॉल किया था, दिस इज जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ द डेटा, दिस इज लाइक द एक्चुअल डेटा जो आपको मिलेगा राइट, मतलब द एक्चुअल वैल्यूएबल डेटा फॉर यू, लाइक वैल्यूएबल फॉर यू राइट. बट देर इज अदर डेटा दैट इज सेंट बाय द बैक एंड राइट, विच इंडिकेट्स लाइक आपकी कॉल सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, कब कॉल की थी आपने, किस मतलब किस ब्राउजर से कॉल किया था, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल किया था, 10 टाइप की चीजें. एंड एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू सी दैट डेटा. If you remember, मैंने आपको last time बताया था कि you can go to your inspect tab, you can go to the network tab here, and मैं इस page को फिर से reload करता हूँ, ठीक है? Let me zoom this a little bit. So if I load this page, यहाँ inspect tab में it shows me like request जो है, कौन सी request गई है. Let me just zoom it up a little bit. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि कौन सी रिक्वेस्ट गई है, एंड इफ आई क्लिक ऑन दिस आई कैन सी द रिस्पॉन्स कि क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से, एंड दिस इज द सेम रिस्पॉन्स एज यू कैन सी ऑन दिस लेफ्ट साइड राइट, सेम रिस्पॉन्स है, ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है. बट इसके अलावा हमने जो रिक्वेस्ट भेजी, इफ यू वॉन्ट टू सी कि हमने रिक्वेस्ट क्या भेजी, यू कैन गो टू द हेडर्स, यू कैन सी कि रिक्वेस्ट क्या भेजी, जो यूआरएल हमने भेजा था ये पड़ा हुआ है यहाँ पे राइट. एंड रिक्वेस्ट मेथड होता है कि मतलब रिक्वेस्ट मेथड बेसिकली आइडेंटिफाइज कि आपको इस डेटा का क्या करना है बेसिकली. सो इन दिस केस यू वांट टू गेट दिस डेटा राइट. सो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड इज गेट, देन देर आर अदर थिंग्स लाइक डिलीट. इफ यू वांट टू डिलीट दिस डेटा यू कैन लाइक चेंज दिस रिक्वेस्ट मेथड टू डिलीट, एंड इफ द बैक एंड अलाउज यू टू डिलीट इट योर डेटा विल बी डिलीटेड इन द बैक एंड, और इफ यू वांट टू अपडेट इट और क्रिएट इट उसका अपना अपना रिक्वेस्ट मेथड होता है राइट. एंड देन देर इज अ स्टेटस कोड. स्टेटस कोड बेसिकली सेज कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसको जो हमने जो सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया सर्वर रिक्वेस्ट को, वॉज इट सक्सेसफुल, डिड इट फेल, डिड इट सक्सीड, और लाइक वट वॉज द स्टेटस. तो यहाँ पे इट सेज समथिंग लाइक 304 नॉट मॉडिफाइड. इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये पेज ऑलरेडी लोड किया हुआ था, एंड जब मैंने इसको रीलोड किया देर वॉज नो चेंजेस टू इट राइट. तो मैं फिर से जो बैकएंड है इस केस में इट इंटेलिजेंटली डिसाइड्स कि मैं फिर से डेटा नहीं भेजूंगा, द फ्रंट एंड ऑलरेडी हैज द डेटा तो वही रीयूज कर ले बेसिकली. So that is the thing. If I do a hard refresh on the other hand, hard refresh basically means कि नया से data भेजना ही भेजना है. तो now the status code changes to 200 okay, which means कि server को request मिली, it found that हाँ मेरे पास ये data है, it sent it back and then it said the status is 200 okay. Now let's say I go to some random endpoint जो कि exist ही नहीं करता है. तो let's say मैं यहाँ पे URL पे ऐसे कुछ randomly डाल देता हूँ.
नाउ व्हेन द सर्वर रिसीव्स दिस रिक्वेस्ट इट विल ट्राई टू फाइंड दिस 876B वगैरह जो भी एंड पॉइंट है बट इट विल नॉट फाइंड इट मतलब यार रैंडमली कुछ लिखा है मैंने सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दैट केस सो इफ आई एंटर करके यहाँ पे जाता हूँ मैं इफ आई गो टू द रिक्वेस्ट नाउ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट देख सकता हूँ मैं कहाँ रिक्वेस्ट गई है रिक्वेस्ट मेथड स्टिल गेट बट द स्टेटस कोड इज 404 नॉट फाउंड विच मीन्स की जो API में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इट डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज वाई द स्टेटस कोड इज 404 राइट तो ये एग्जाम्पल था एंड इसके अलावा कुछ हेडर्स भेजते हैं जैसे पिछली बार दिखाया था मैंने कि किस ब्राउजर से जा रही है किस फॉर्मेट में जा रहा है मतलब 10 टाइप की चीजें होती हैं यू कैन लुक एट इट हियर एंड रिस्पांस में क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो वो रिस्पांस में क्या भेज रहा है इस केस में क्योंकि कुछ मिला नहीं तो इट विल सेंड समथिंग लाइक मैसेज फैक्ट नॉट फाउंड ठीक है तो गोइंग बैक टू दिस सेक्शन हेयर हेडर्स वाला तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स एक तो URL ऑब्वियसली किस URL पे जा रहे हैं एंड देन कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं तो गेट है वैसे ही डिलीट होता है पुट होता है पोस्ट होता है डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं एंड देन देयर इज स्टेटस कोड एंड सो ऑन तो ये सब डेटा जो है ना व्हेन दिस इज सेंट लाइक इट इज पैकेज्ड इनटू वन रिक्वेस्ट एंड इट इज सेंट टू द बैकएंड इसको सबको उठा के हम एक सॉर्ट ऑफ ऑनवलोप में पैक करके भेजते हैं बैकएंड को लाइक ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ठीक है तो ऐसा इमेजिन करो आप कि सॉरी ठीक है तो ऐसे इमेजिन करो कि यू हैव द फ्रंट एंड अरे क्या हो गया ठीक है सो यू हैव द फ्रंट एंड क्या हुआ हाँ बस आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू लाइक कंप्लीट द सेशन सो वी कैन टेक इट आफ्टरवर्ड्स तो आपका फ्रंट एंड है Sorry. If anyone has any question, तो chat box में लिखो तब तक. Right. तो इस केस में हमारा जो front end था, which was my browser, like Tapish's browser, ठीक है? And the back end I'm trying to talk to, like interact with is this cat fact app, right? So यहाँ पे कोई cat fact server है, correct? And इसके different endpoint, एक तो endpoints का facts वाला endpoint था, एक कोई user वाला endpoint था, जो कि हमने use नहीं किया, but it will probably return some user details. But my point is कि when we send this request from the front end to the back end we don't send just like the url we send a lot of other stuff like you can see here ki kaun sa request url hai kaun sa get method hai like method kaun sa get hai post hai patch hai kya hai uske alawa ye jo headers hai ye sab cheeze jo hai hum backend like backend ko bhejte hain basically and we send it in like this envelope which contains all this information usko package karte hain hum ek request mein and then we send it to the backend and this message ko basically hum http message kehte hain right तो हर एक HTTP मैसेज का एक फॉर्मेट होता है जिसमें URL होता है उसका मेथड होता है डिफरेंट लाइक फील्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक्चुअली इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो टू योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर HTTP मैसेज स्ट्रक्चर तो उसमें दिख जाएगा आपको कि कौन कौन से फील्ड जो हैं भेजने होते हैं रिक्वेस्ट में व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द बैकएंड तो यहाँ पे इफ यू ओपन दिस आई विल ओपन दिस इन अ न्यू टैब राइट तो यहाँ पे देखो कुछ एक्चुअली दिस माइट नॉट बी द बेस्ट एग्जांपल लेट मी लुक एट समथिंग एल्स ओके दिस वन हाँ ठीक है अरे ये क्या है व्हिच वन डू आई यूज ठीक है एक बार से खोलता हूँ इसको मैं ओपन इमेज नोट ऐप ठीक है तो ये बेसिकली जो हमारा मैं ऑनवलोप की बात कर रहा था आपकी HTTP message, it has a certain format or like a certain structure that it has to follow. And उसमें क्या होता है कि पहले you specify कि कौन सा method है, right? Get method. For example, यहाँ पे get method है, that is the method here. Now, what is the URL that you are like invoking? तो यहाँ पे /product/DVD, मतलब ये random example है. तो यहाँ पे हमने उसका basically endpoint का reference दिया हुआ है, जैसे हमने slash facts लिखा था, यहाँ पे /product/DVD.htm वाला है. ठीक है उसके बाद जो एक्चुअल होस्ट है मतलब सर्वर का जो आइडेंटिफायर था जो बताया मैंने URL होता है सर्वर का आइडेंटिफायर www.xyz.com तो यहाँ पे एक होस्ट हेडर होता है जिसमें हम वो URL डालते हैं एंड देर आर अदर हेडर्स लाइक कैश कंट्रोल कनेक्शन कीप अलाइव कंटेंट लेंथ कितना है जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका साइज कितना है जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है इंग्लिश US लैंग्वेज है जो बॉडी है उसमें मतलब उसकी लेंथ है मतलब हजार टाइप की चीजें होती हैं बेसिकली वी पैकेज इट ऑल इनटू वन HTTP रिक्वेस्ट सेंड इट टू द बैकएंड अंडरस्टैंड्स HTTP रिक्वेस्ट इट फाइंड्स द रिसोर्स एंड इट सेंड्स इट बैक टू द फ्रंट एंड राइट तो इफ यू वांट टू लाइक प्ले अराउंड विद दिस तो यू कैन जस्ट लाइक लुक एट वन ऑफ दिस APIs जो यहां पे इस लिस्ट में पड़ी हुई है एंड यू कैन लाइक मेक कॉल्स टू दिस API एंड देयर इज एक्चुअली अ बेटर वे इंसटेड ऑफ कॉलिंग देम फ्रॉम द ब्राउजर जैसे मैंने अभी किया था यहां पे राइट इंसटेड ऑफ डूइंग इट लाइक दिस देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड पोस्टमैन ठीक है you can download it with the free software you can download it from the internet postman agar main kholta hu
इट गिव्स मी अ नाइस वे टू लाइक इंटरैक्ट विद दीज एपीआईज. ये जो मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है मेरे को, जिसमें हेडर डालना है मेरे को, कहाँ गया, हेडर डालना है, मेथड डालना है, यूआरएल डालना है, बाकी हेडर डालने हैं, आई कैन इजिली लाइक पुट इट हेयर. मतलब ब्राउजर में थोड़ा डालना मुश्किल होता है, सो आई कैन डू इट हेयर. सो दिस इज द पोस्टमैन इंटरफेस. आई कैन जस्ट गो टू न्यू एंड क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट हेयर, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट का नाम लेट्स से KEI टेस्ट रिक्वेस्ट, एंड देन आई विल सेव इट इन सम फोल्डर, लेट्स से दिस वन. एंड आई एम नॉट श्योर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू जूम दिस. बट बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आई विल बी एबल टू स्पेसिफाई कि मेथड कौन सा है. सो यू कैन सी यहाँ पे गेट बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, बट आई कैन यूज पोस्ट और पुट, पैच, डिलीट, कॉपी, मतलब डिफरेंट होते हैं, हर एक का डिफरेंट मतलब होता है. सो इफ आई यूज गेट एंड देन आई टाइप सम यूआरएल, सो यहाँ पे मैं सेम यूआरएल यूज करता हूँ जहाँ यहाँ पे यूज किया था, कैट फैक्ट हेरोकू डॉट फैक्ट, ये वाला. तो ये यूआरएल में डालता हूँ मैं, ठीक है, एंड आई स्पेसिफाई मेथड गेट है, राइट. तो इफ आई सेंड आई विल गेट द रिस्पॉन्स होपफुली नीचे यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा प्रॉपरली दिखा रहा है मेरे को कि क्या क्या डेटा बेस है, टाइप है, डिलीट है, मतलब जो भी है. एंड देन इफ आई हैव सम अदर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट आई वॉन्ट टू मेक, लेट्स से कोई और एंड पॉइंट है स्लैश फैक्ट्स के बदले स्लैश यूजर पे मतलब एक्सेस करना है, एंड उसका मेथड एक्सेस करने का पुट है या फिर पैच है, जो भी है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट एंड आई विल सेंड द रिक्वेस्ट. एंड यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स भेजना है बैकेंड को, इट विल सेंड इट. एंड इन मेथड्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो आपका डेटा है बैकेंड में, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू विद इट, राइट. सो इफ यू यूज गेट, दैट बेसिकली मीन्स यू वॉन्ट टू गेट द डेटा. इफ यू यूज पोस्ट, पोस्ट इज बेसिकली लाइक इफ यू वॉन्ट टू सेंड द डेटा टू द सर्वर सो दैट इट क्रिएट्स दैट. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट कैट फैक्ट ऑन द कैट फैक्ट सर्वर, अगर आपको क्रिएट, आपको गेट नहीं करना, आपको क्रिएट करना है, देन यू विल यूज पोस्ट और पुट, ठीक है. पैच इज बेसिकली अगर कुछ डेटा पड़ा हुआ है सर्वर पे, यू वॉन्ट टू अपडेट इट, दैट बेसिकली मीन्स पैच. डिलीट इज लाइक इफ यू वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, राइट. देन कॉपी, हेड, मतलब 10 टाइप की चीजें हैं. तो दैट इज हाउ एन HTTP रिक्वेस्ट बेसिकली वर्क्स, ठीक है. एंड इसमें कुछ और कॉम्पोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑथराइजेशन, हेडर, बॉडी वगैरह, बट आई वुड रिकमेंड कि एक सेशन में पॉसिबल नहीं है सब पढ़ाना, तो आप खुद जाके इनमें से कोई API उठा लो. मैं कहाँ गया वो लिस्ट, आई थिंक आई लॉस्ट दैट लिस्ट, बट बेसिकली जो लिस्ट दिखा रहा था मैं कोई APIs का, उसमें से कोई API उठा के सी वॉट मेथड्स एक्सपोज, लाइक ट्राई टू यूज देम, गेट दैट डेटा. एंड सिंस वी ऑलरेडी टॉट यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ HTML, हम आगे भी थोड़ा पढ़ाएंगे, बट यू हैव एन आइडिया कि HTML से कैसे हम डिस्प्ले करते हैं, तो वो डेटा उठा के HTML में दिखा दो, ये अपनी वेबसाइट बना लो. सो दैट इज हाउ बेसिकली यू कैन कनेक्ट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, ठीक है. तो आई थिंक दैट इज मोर और लेस ऑल वी हैव, ठीक है. तो आई थिंक टाइम भी खत्म हो रहा है हमारा, सो आई विल गेट टू द क्वेश्चन आंसर सेशन. व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल? इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो है दैट इज समथिंग यू विल स्टडी इन, लेट्स से इफ यू स्टडी स्प्रिंग जावा, मतलब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है. तो इफ यू वांट मी टू टेल यू अबाउट इट, यू कैन टेक्स्ट मी सेपरेटली, तो यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. कैन यू रिपीट द बैक एंड फ्रंट प्रोसेस? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी, टाइम कम है और बस, बट इफ यू हैव एनी डाउट्स लाइक लेट मी नो, हूएवर दिस इज. कैन यू हैव सम कैलकुलेशन विच यू सेड आर डन ऑन द बैक एंड पीट? हाँ, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. लाइक कैन यू हैव सम, जो हम बता रहे थे लाइक बैक एंड का काम है कैलकुलेशन करना या फिर प्रोसेसिंग करना, लाइक कैन वी डू इट ऑन द फ्रंट एंड ऑल्सो? यू कैन डू इट ऑन द फ्रंट एंड, बट डिपेंडिंग ऑन की रिक्वेस्ट का टाइप क्या. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लॉग इन करना है, तो लॉग इन डिटेल्स आपके बैक एंड में ही रहेंगे, फ्रंट एंड में नहीं भेजेंगे आपको, क्योंकि फ्रंट एंड में दिखाना नहीं, लाइक फ्रंट एंड में जो भी डेटा भेजते हैं यू कैन सी इट, लाइक यू कैन गो टू इंस्पेक्ट, राइट. दिस इज द फ्रंट एंड कोड बेसिकली, यू कैन जस्ट सी ऑल द कोड, राइट. यू डोंट वॉन्ट टू सेंड ऑल द यूजर डिटेल्स यहाँ पे. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द लाइक दैट कैलकुलेशन हैज टू हैपन ऑन द बैक एंड. बट कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो आपके फ्रंट एंड पे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वो आप फ्रंट एंड पे कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बैक एंड पे ही करनी है. लाइक दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन यूज जावा स्क्रिप्ट और अदर लाइक लैंग्वेजेस लाइक दैट विच आर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, वहां पे जाके वो यूज कर सकते हो. ओके, डिस्क्राइब कॉफी स्क्रिप्ट. ओके, दैट इज बेसिकली लाइक अ वेरियंट ऑफ जावा स्क्रिप्ट, बट आगे जाके हम जावा स्क्रिप्ट जो पढ़ेंगे थोड़ा उसमें देख सकते हैं वो. टेल अस व्हेन यू वुड यूटिलाइज CSS फ्लोट. अगेन CSS वी विल स्टडी इन आवर ओन, CSS का अपना सेशन है एक, तो दैट वी विल स्टडी देयर. कॉल बैक फंक्शन भी, इट्स समथिंग स्पेसिफिक टू जावास्क्रिप्ट, सो अगेन इन द HTML CSS जावास्क्रिप्ट सेशन यू माइट गेट अ बेटर आंसर फॉर दिस, ठीक है. आई थिंक इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो या दैट्स इट. एनी अदर क्वेश्चन यू कैन लाइक टेक्स्ट मी और ड्रॉप इट हेयर राइट नाउ, इफ नॉट देन आई गेस ड्रॉप कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद टुडे सेशन. होप यू फाउंड इट अ लिटिल एजुकेटिव. ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल. सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, ठीक है. खुदा हाफिज.
ये रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा इसमें व्हाट्सएप पे, सो दैट यू नो इज सम ऑफ यू हु वांट टू काइंड ऑफ लाइक यू नो हैव अ रिवीजन ऑफ व्हाट टुडेज यू नो सेशन वाज, सो दैट्स